वैसे तो अमिताभ बच्चन के बारे में पिछले 2 ढाई सालों में आपने जो कुछ भी खबर देखी, नेगेटिव वाली, क्योंकि पॉजिटिव तो खबरें अमिताभ बच्चन को लेकर नहीं मिली। मतलब सुशांत सिंह राजपूत मामले में चुप्पी साधना, फिर जया आंटी का बड़बोलापन, थाली में छेद वाला बयान, इसके चलते अमिताभ बच्चन की इज्जत की ऐसी की तैसी हो गई, बहुत ज्यादा किरकिरी हो गई, इन शॉर्ट कह सकते हैं। लेकिन यहां पर इस वीडियो में बात मैं उनके प्रॉपर्टीज की करने वाला हूं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी माहौल बना हुआ है। अब उनकी प्रॉपर्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चल रही है बातें तो हमने भी बना दिया वीडियो, क्योंकि अपनी बेटी के नाम पर उन्होंने प्रतीक्षा बंगले को कर दिया है कि ये मेरी बेटी का बंगला है। प्रतीक्षा वही बंगला है जहां पर अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी भी हुई थी, और इस बंगले का नाम जो है, जो अमिताभ बच्चन के पिता है स्वर्गीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, इन्होंने ही रखा था प्रतीक्षा, और अब ये जो बंगला है इन्होंने अपनी बेटी के नाम पर कर दिया है। तो अमिताभ बच्चन के नाम पर कितनी प्रॉपर्टीज है वो समझते हैं। वैसे अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ जो है वो 3,390 करोड़ की है, यानी तकरीबन 3400 करोड़ की है। 16,840 वर्ग फीट में बने अमिताभ बच्चन का जो प्रतीक्षा वाला बंगला है, इसकी कुल कीमत कुछ वेबसाइट के ऊपर 50 करोड़ बताई जा रही है और कुछ जगहों पर 160 करोड़ बताई जा रही है। मैं 160 करोड़ वाली बात को सही मानता हूं, क्योंकि 50 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट होता है जुहू जैसे एरिया में, वो भी मुंबई में। अमिताभ बच्चन के 3 और बंगले हैं, जलसा, जनक और वत्स। इसके अलावा इलाहाबाद में भी उनकी जो पैतृक प्रॉपर्टी थी वहां पर अब हरिवंश राय बच्चन जी का, आप कह सकते हैं कि आम जनता के लिए एक लाइब्रेरी खोल दी गई है, एक आप कह सकते हैं कि म्यूजियम बना दिया गया है उसका। अमिताभ बच्चन का ये जो जुहू वाला बंगला है जलसा, ये सत्ते पे सत्ता जब हिट हुई थी तब डायरेक्टर साहब ने, यानी जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने ये बंगला अमिताभ बच्चन को गिफ्ट, और जनक जो बंगला है उसमें उनका ऑफिस भी है जहां से वो अपनी फिल्मों के लेन देन जो भी काम चलते हैं वो सारी चीजें करते रहते हैं। पूरे इंडिया में तो अमिताभ बच्चन की कई सारी प्रॉपर्टीज है ही, साथ ही फ्रांस में भी उनका बंगला होने की बात कही जा रही है। 260 करोड़ के प्राइवेट जेट के अमिताभ बच्चन मालिक भी है। इसके अलावा लग्जूरियस ब्रांड की जो कारें हैं वो उसकी संख्या जो है वो, जिसमें लेक्सस, रोल्स रॉयस, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज शामिल है। तो अमिताभ बच्चन की ये जो 3400 करोड़ की नेटवर्थ है ये बहुत ज्यादा है, और आप कह सकते हैं कि एक समय जो इंसान पूरा कर्ज में डूब चुका था, बर्बाद हो चुका था, उसके बाद कई लोगों ने सहारा दिया, जैसे अमर सिंह ने, सहारा कंपनी के सुब्रत रॉय ने, फिर उसके बाद और भी लोग थे उनकी जिंदगी में, महमूद ने, राजीव गांधी, कांग्रेस परिवार ने, कई लोगों ने साथ दिया, लेकिन कादर खान जी ने भी साथ दिया था, लेकिन टाइम टू टाइम अमिताभ बच्चन अपने मतलब के हिसाब से इन लोगों को दूर करते चले गए, और यही वजह है कि जिसके चलते अमिताभ बच्चन के ऊपर मतलबी होने का आरोप भी लगते रहता है। जैसे सुब्रत राय की मौत हुई तो उनकी अंतिम यात्रा में गए भी नहीं और ना ही उनके बारे में कोई शब्द लिखा, ठीक इसी तरह से अमर सिंह के साथ भी किया था।